अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम शहज़ाद है और मैं आपके साथ आज मौजूद हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, एक बहुत मशहूर बात है, अफजल इंसान वो है जो अपनी इस्लाह में लगा रहे। आपने सुना होगा, अपनी इस्लाह से क्या मुराद है? अपनी इस्लाह से मुराद है दुनिया और दीन दोनों को पैरेलल लेके चले। अगर हम बात करें सिर्फ प्रोफेशनल करियर की, तो प्रोफेशनल करियर में अपनी इस्लाह क्या है? क्वालिफिकेशन नंबर वन, रेलेवेंट क्वालिफिकेशन। नंबर टू, स्किल सेट्स। नंबर थ्री, जो एबिलिटीज़ चाहिए उस प्रोफेशनल करियर में सक्सेस हासिल करने के लिए, उसको गेन करें और फिर उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें। वो क्या है? मिसाल के तौर पे आप एक्सपर्ट नहीं हैं सीवी बनाने के, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं एज मैकेनिकल इंजीनियर। बट जब आप मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपको सीवी बनाना, अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करना भी आना चाहिए। एक एडिशनल स्किल है जो रोज़ नहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी, मे बी साल में एक दफ़ा, दो साल में, दस साल में दो दफ़ा रिक्वायरमेंट हो, तो आपको एडिशनल स्किल्स भी सीखनी है। लेट सपोज़ आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं लेकिन आप सोशल मीडिया पे अपने काम को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये एडिशनल स्किल्स भी आपको सीखनी पड़ेंगी, तो आप अपने काम को प्रमोट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़, आपकी नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, आप कॉन्फिडेंट तरीके से सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगे, आपका काम प्रेजेंट हो रहा होगा। सो इसलिए अपनी इस्लाह पे लगे रहने से मतलब ये भी है कि हम अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट को ज़रूर पूरा करें। मिसाल के तौर पे टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज्ड हों आप एज ए प्रोफेशनल, आप वो सारी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स की जो प्रोफेशनलिज्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, वर्क प्लेस एथिक्स की हम बात करेंगे कि उसके ऊपर आप फुलफ़िल कर रहे हो, आप अपनी, आप कहते ना कि आप एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको चल रहे हो, आप अपने आप को एज एन एग्जाम्पल शो करें दूसरों के सामने, आप अपने काम में डिफ्रेंशिएट करें। वो कैसे करेंगे? जब आप ग्रो करेंगे, आपको ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेंगी, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, दूसरों से ज़्यादा विजडम हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल के तौर पे लीडरशिप पोजीशंस पे काम कर सकते हैं। सो अपनी इस्लाह में लगे रहें, नंबर वन प्रोफेशनली, नंबर टू पर्सनली, और नंबर थ्री रिलीजियसली, ताकि दोनों दुनिया की कामयाबी आपका मुकद्दर बने। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा बात करेंगे, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।